सब कुछ उड़ रहा है, गिर रहा है, फैंस भी ऊपर से ऐसे गिर गए हैं, सब गिल्ला हो चुका है, सारे बच्चे भी बेड सब गिले हैं, और यहाँ पे दो तीन दिन से लाइट बिल्कुल नहीं है। ये थी सिमरन। सिमरन और इनकी मॉम अमनप्रीत मुंबई के नायगांव में एक एनिमल शेल्टर चलाते हैं। तूफान से तो ये आज परेशान हैं, पर इनको वैसे भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आइए सुनते हैं अमनप्रीत जी से। मैं हूँ अमन मालिया। मैंने अभी अभी एनजीओ फॉर्म किया है जिसका नाम है AARF। शुरू तो ये अपने आप हो गया जब छोटी बेटी रास्ते में इंजर्ड एनिमल को देखती तो उससे रहा नहीं जाता, तो वो उठा के लेके आ जाती थी। घर कब शेल्टर बन गया पता ही नहीं चला। फिर उसके साथ मैंने भी उसकी हेल्प करनी चालू कर दी क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रही थी। कई बार होता कि बच्चे हमें सिखाते हैं कि कैसे अच्छा काम करना चाहिए और कैसे किया जा सकता है। टोटल 70 एनिमल्स हैं और मैं और मेरी बेटी पूरा दिन ये काम करते हैं। इनका दुख नहीं देख सकते थे, इनकी तकलीफ नहीं देख सकते थे। जैसे सड़क पे जाते कुछ या भूखे बच्चे देखते कि हम 24 घंटे इन्हीं के साथ में रहते हैं और इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। तो 12 सालों से बिना नागा 365 डेज, चाहे मेरी मदर ऑफ हो गई चाहे मेरे पापा ऑफ हो गए, हमने कभी इनका खाना बंद नहीं किया। पर बाद में लोगों ने ग्रांटेड लेना चालू कर दिया, एड्रेस पूछने लगे डोनेशन के बहाने, खाना देने के बहाने, और लोग एड्रेस जान लेते और यहाँ पर आके डंप कर देते। लोग चाहते हैं कि बस हम सबके एनिमल्स ले लें, ये भी ले लो वो भी ले लो, पर कैसे ले, हम ऑलरेडी इतना कुछ संभाल रहे हैं। अब हमें मैनेज करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। दो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनका ही सैलरी मुश्किल हो जाता है निकालना। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, मेरे से जितना होगा हमारी कैपेसिटी उतनी ही, हम उतना ही कर पाएंगे। हम खाली कैट्स डॉग्स को ही हेल्प नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम घोड़े खच्चर गधे गाय जिनको भी जो बड़े एनिमल्स हैं हम उनको भी हेल्प कर पाए। इशू हमारे फंड्स का है, हमें इतनी सारी डोनेशन नहीं आती, हमारे पास कोई परमानेंट डोनर्स नहीं है। लोग हमारी हेल्प ऐसे भी कर सकते कि इनके लिए खाना भेजे, इनका इनकी मेडिसिन से हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पर आके वॉलंटियर करें, इनसे जुड़े आके इनकी तकलीफें समझें। ये हमारे पेजुबान बच्चे हैं जिससे हमारे बच्चे होते हैं। देसी लोग देसी डॉग, ये नारा हम सबका होना चाहिए। ऐसे में अगर कोई सपोर्ट करता है तो हमें ज़्यादा खुशी होगी और हम अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा के कर पाएंगे।